अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो आज मुझे आपसे शेयर करनी है एक चीज़। आप लोग को थंबनेल से तो अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मुझे YouTube से कितनी पेमेंट मिली और वो सारी चीज़ें आज मैंने आप लोग से शेयर करी हैं। सारी डिटेल्स शेयर करूंगी इंशाल्लाह, तो मेरे साथ रहिएगा। काफ़ी टाइम के बाद हम व्लॉग कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज हम काफ़ी सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी। तो मेरे व्लॉग को देखना नहीं भूलिएगा, पूरे व्लॉग को देखिएगा। मिलते हैं हम थोड़ी देर में। और हवा चलना थोड़ी शुरू हो गई है कराची में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में कह रहे हैं कि हीट वेव स्टार्ट हो गई है। तो बस अल्लाह खैर करे, आप लोग सब अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। पानी वानी पिए, ठंडे जूसेस पिए, फ्रूट्स व्रूट्स खाएँ। तो बस अपना सबने बहुत ख्याल रखते हैं, मिलते हैं हम आगे। अच्छा, तो मुझे आपसे एक और चीज़ शेयर करनी थी, क्योंकि इतने दिन हो गए तो मुझे आप लोग से जो जो चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट और कर चुकी हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें। एक और प्रोडक्ट मैंने मंगाई थी जो मुझे ट्राई करनी थी, और मैंने कहा कि वो भी हम ट्राई करके देखते हैं कि वो कैसी रहेगी। तो वो मैंने जो मंगाई है वो आजकल इंस्टा पे, आपको फेसबुक पे, हर जगह मिल रही होगी। मार्केटिंग तो बहुत सारी चीज़ों की, प्रोडक्ट्स की होती है, लेकिन जब तक आप उसको ट्राई ना करो और आपको रिव्यूज़ ना मिले, तब तक आपको वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा पहले मैं इसको यूज़ करती हूँ। मैं इसको 15 से 20 डेज़ हो गए मुझे यूज़ करते हुए, फिर मैंने कहा मैं आप लोग से शेयर करती हूँ और उस पर फिर मैं एक व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो आज मैंने कहा मैं अपने साथ वो लेके आई हूँ। ये है आपके पास रिजा का अलियोल, ठीक है। ये है वो, नज़र आ रही है आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, डिटेल्स इसमें सारी मेंशन है। देखिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हैं और ये सारी चीज़ें स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। और आराम से आपको इसमें मेन जो होता है ना कि आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स, तो जैसे हाइलुरोनिक एसिड हो गया, वो इसके अंदर पहले से ही है, वो इसमें ऐड है। तो आपको अलग से ज़रूरत नहीं है कि वो आप लें और अपने स्किन पे अप्लाई करें, तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, 15 से 20 डेज हो गए और मुझे अपनी स्किन में फ़र्क नज़र आया है, ठीक है। तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जितनी हो सके आप उनको प्रमोट करें, अगर उनके अच्छे रिजल्ट आते हैं तो। मेरा भी यही है कि जितनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं हम उसके रिव्यूज़ करें और हम उसको लेके आएं, और अगर उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो वो आप लोग उसमें वो प्रोडक्ट्स आप लें, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है कि हर प्रोडक्ट हम बाहर से मंगाएं सारी प्रोडक्ट्स। मेरे बाल खिंच रहे, मैं ऊपर करके बाल बनाऊँ ना, एक तो गर्मी इतनी है तो मुझे ये होता है कि ऊपर मैं बस अपना बन करूं और बाल बनाऊं, लेकिन वो यहाँ से खींचते इतना है ना, फिर वहाँ खींचते हैं तो फिर यहाँ पे मुझे दर्द होता है, इसलिए मैंने कहा कि हाफ आज पूरी बना लेता है। तो खैर, इसमें यह है कि आप जितनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हैं वो आप कीजिए, चाहे वो कोई सी भी प्रोडक्ट हो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, बनती हैं, लेकिन हम उसको लेते नहीं हैं, हमने उनको यूज़ नहीं किया, इसलिए हमें उनका आइडिया नहीं है। आजकल जैसे आजकल चल रहा है कि आप ड्रिंक्स का जितना मुझसे हो सकता है मैं कंट्रोल करती हूँ, ये हर किसी का अपना है। अगर आप करना चाहते हो आप करो, आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं कीजिए। तो मैं तो पाकिस्तानी ड्रिंक्स लेती हूँ अब, और काफ़ी सारे लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया है और अच्छा टेस्ट है उसका, अच्छा है। हम लोग क्योंकि उन ड्रिंक्स के यूज्ड हो चुके हैं, हमारे टेस्ट बस उसके आदि हो चुके हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तानी है प्रोडक्ट्स ये बहुत अच्छी हैं, और मैं आप लोग को रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर 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 ट्राई करें, और फिर मुझे भी बताइएगा कि आप लोग ने ट्राई किया कि नहीं और आप लोग को कैसे लगे, ठीक है। तो ये है आज का मेरा छोटा सा व्लॉग जो मैंने आप लोग से शेयर करना था। मैंने कहा इसको भी मैं अपने व्लॉग में आज ऐड कर लूं। तो अभी हम आगे देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं आज के दिन, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और मैंने सोचा इतनी अच्छी सी कोई छोटा सा बर्ड आया है, इतना क्यूट लग रहा है, उसकी चोंच इतनी लंबी सी है, क्यूट टू, और वो है इतना छोटा सा। खैर, तो आज मैंने क्या किया, काफ़ी टाइम के बाद मेरा फ़िश खाने का दिल चाहता है। वैसे तो कहते हैं कि फ़िश अब नहीं खाना चाहिए, पता नहीं खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन मुझे फ़िश बहुत अच्छी लगती है, मुझे सी फूड बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने बनाया है फ़िश का सालन। लास्ट वीक मैंने बनाए थे प्रॉन्स, जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया था और सबको बहुत अच्छा लगा था।
तो इस वीक मैंने सोचा कि आज हम करते हैं फिश बनाते हैं, और मैंने आज बनाया फिश का सालन, जो मैंने अपनी मम्मी से पूछा सालन की रेसिपी, वो क्या क्या चीज़ें डालती हैं, क्योंकि मैं इतनी चीज़ें ये बनाती नहीं हूँ और मुझे आइडिया, मतलब पता तो है कि क्या क्या डलता है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें उनसे पूछ के मैं कर लेती हूँ। तो वो मैंने बनाई है, टेस्ट तो अच्छा लग रहा है, अब सब खा के बताएंगे कि वो कैसा बना है। मुझे फिश फ्राई से ज़्यादा फिश का सालन ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मेरा होता है कि अगर फिश आती है तो सालन भी उसका ज़रूर बने, जो नहीं थोड़ी सी ग्रेवी के साथ होता है, थोड़ी सी नहीं कभी थोड़ा ज़्यादा भी ग्रेवी हो जाती है। तो खैर आज हम वो एंजॉय करेंगे, और आज के दिन एक दो जगह जाना है हमें काम, वो भी करेंगे हम। और मेरे जो कान का इशू चल रहा था, मैंने आप लोग को बताया था, इसके अंदर थोड़ा सा इन्होंने कुछ इंसर्ट किया था ताकि मेरी हेयरिंग कुछ बेहतर हो, लेकिन क्योंकि मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा सर्जरी के बाद, मुझे स्टिल थोड़ा बहुत जो मेरी हेयरिंग है वो कम मुझे सुनाई देता है, और उसकी वजह से इश्यू है। तो वो मैं आज जाके उसको शायद वो रिमूव करेंगे कुछ, तो वो हमें करवाना है, और एक जगह और भी मुझे जाना है, तो वो सब आज हम करेंगे। और आप लोग बताएं, आप लोग का ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो मुझे तो ये हो रहा है कि भाई सिंपल आप घर में रहो, लॉन के कपड़े पहनो, आराम से चिल करो, कोई इतना लेविश कोई कपड़े वपड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग का दिल चाहता है आप लोग बनाएं। तो खैर अब हम आगे चलते हैं कि आगे क्या होगा। मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अब से हम डेली व्लॉग्स दोबारा से स्टार्ट करें, डेली नहीं मतलब कोशिश करूंगी डेली हो, लेकिन हम दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं गैप के बाद, इतने कितने 15-20 डेज हो गए होंगे शायद, तो उस गैप के बाद, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने व्लॉग्स अब बनाएंगे, और आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं हम आगे कि हम क्या करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो मुझे बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपसे शेयर करनी थी और आप लोग को बतानी थी कि क्या है वो है क्या है वो है जो मैंने आप लोग को बताया था कि मैं गार्लिक यूज़ कर रही थी। गार्लिक क्या कर रही थी, जो लहसुन था वो मैं यूज़ कर रही थी अपनी स्किन के लिए। तो ये आप मेरी स्किन देख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, उससे मुझे काफ़ी 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 फ़र्क पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे ये हुआ कि मेरे जो एक्टिव एक्नी थी ना, और जो एक्नी के बड़े 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 मुझे आ रहे थे दाने और भर भर के निकल रहे थे, वो चीज़ ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि शुक्र है मुझे उस वाले जो पिंपल्स निकल रहे थे उससे मेरी जान छूटी। और आप लोग को मुझे ये बताना था कि मैं काफ़ी काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग किया है, और अभी मैं बस इसलिए आई थी कि आप लोग के साथ थोड़ा बहुत मैं बातें बातें करूं और आप लोग के साथ शेयर करूं कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। और मेरी एक दो व्लॉग्स बने हुए थे काफ़ी टाइम से, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं उनको एडिट करूं या कुछ करूं, क्योंकि टाइम ऑफिस में बहुत ज़्यादा आजकल काम चल रहा था। तो ऑफिस के बाद ये हो रहा था कि आपको बिल्कुल आपके अंदर एनर्जी नहीं होती वो करने की ना, तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें फंसी हुई थी। तो खैर अभी थोड़ा बहुत हम ऑफिस से प्रेशर काम का थोड़ा कम हुआ है, तो इंशाल्लाह 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 हम अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर। आप लोग मेरे साथ रहिएगा, और जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने जो थंबनेल देखा होगा वो ये है कि मुझे यूट्यूब की पेमेंट नहीं मिली है। मैं बस ऐसे ही प्रैंक कर रही थी, बस ऐसे ही मैंने कहा चलो आज देखते हैं। खैर ऐसी कोई चीज़ अभी तक नहीं हुई है, इंशाल्लाह आगे जाके होगी तो आप लोग को बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं, और क्या होता है वो सारी चीज़ें आप लोग से जितना हो सका मैं शेयर करके आप लोग को बताऊंगी। बाकी ये है कि अपडेट ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखें, और मुझे बताएं कि मैं आगे आने वाले व्लॉग्स में क्या व्लॉग्स बनाऊं। तो ये मैंने छोटा सा बस अपना लाग मैंने कहा आप लोग से थोड़ा सा हेलो हाय करते हैं और आप लोग से बातें करते हैं। काफ़ी टाइम हुआ मैंने व्लॉग नहीं किया था, तो आज मैंने थोड़ा बहुत मैंने कहा आप लोग को बताती हूँ कि मैं कहाँ गायब थी इतने दिनों से। तो सही है, तो आप लोग ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने ये गार्लिक वाली चीज़ की कि नहीं,
बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये ज़रूर करके मुझे बताइएगा। और दूसरा ये कि ये सिर्फ पिंपल्स के लिए नहीं, आपकी पूरी हेल्थ आपको पूरा अंदर से क्लेंस कर देती है, समझ रहे हैं ना। तो खैर अब हम मिलते हैं नए और मज़े के किसी व्लॉग में। आज का व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब प्रॉपर व्लॉगिंग स्टार्ट होगी और ईद भी आने वाली है, बकरा ईद आने वाली है, तो बकरा मंडी हर जगह लगनी स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिन के बाद। और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है बकरा लाना, बकरों के साथ उनको घुमाना, उनको खिलाना। तो आप लोग को बताइएगा, आप लोग कब से ला रहे हैं बकरे, या क्या लाते हैं आप लोग, गाय लाते हैं, बकरे लाते हैं, ऊंट लाते हैं, क्या लाते हैं, ठीक है। और बस अब हम मिलते हैं नए किसी दूसरे व्लॉग में। अपना आप सबने बहुत ख्याल रखना है, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना है, मैं आपको आपकी फैमिली को दुआओं में याद रखूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।